सैनिटाइज उदयपुर अभियान का शुभारंभ किंग सेना द्वारा उदयपुर के 70 वार्ड में किया जाएगा। निःशुल्क सैनिटाइजेशन एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, एडीएम सिटी अशोक कुमार और डिप्टी सीएमएचओ राघवेंद्र राय ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। शहर की तंग गलियों में सुविधा सर्विस की टीम सैनिटाइजर मशीन से करेगी छिड़काव। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन आज तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने को लेकर किंग सेना के संस्थापक अध्यक्ष कुंवर राव गगन सिंह के निर्देशन पर शहर में सैनिटाइज उदयपुर अभियान का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। जिला कलेक्टर से एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, एडीएम सिटी अशोक कुमार और डिप्टी सीएमएचओ राघवेंद्र राय ने सैनिटाइजर के लिए 2 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान किंग सेना के महासचिव सुनील निमावत खटिक, संगठन मंत्री प्रमोद श्रीमाली, उपाध्यक्ष रविंद्र राव और कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान आदि लोगों के द्वारा मौके पर सैनिटाइजेशन के दौरान उपलब्ध रहे। जय श्री राम, मैं सुनील निमावत खटिक, महासचिव किंग सेना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्री गगन सिंह जी के निर्देशानुसार आज उदयपुर में किंग सेना द्वारा शहर के 70 ही वार्ड में कोरोना टाइम को देखते हुए निःशुल्क सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए और प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी हम प्रशासन को ये वादा करते हैं कि कहीं भी अगर कोरोना में महामारी में हमारी जरूरत पड़ी तो किंग सेना आपके साथ खड़ी रहेगी और पूरे शहर को और अच्छा उज्जवल और उत्कृष्ट विकास करने में सहयोग करेगा। वहाँ के लिए भी हमने एक सैनिटाइजर का व्यवस्था की है जो हमारे पीपीई किट और कंधे पे लगाकर मशीन के थ्रू वो करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं उस तरफ वो करें। ठीक है।